हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ, ये पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है, नाम है पुदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक को देखो तो ये मात्र 21 रुपीज़ का, ओनली 21 रुपीज़ का ये स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक का रिजल्ट आया है और रिजल्ट किस तरीके से, कितना बेहतर रिजल्ट रहा है, उसके दम पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कहाँ जा सकता है। इतना छोटा, एक माइक्रो कैप का हो या स्मॉल कैप का हो, मैं तो इसको माइक्रो कैप ही कहूँगा, इतना छोटा स्टॉक है, ओनली 21 रुपीज़ का। आप ये मत सोचिए कि पैनी स्टॉक है, लेकिन इसका जिस तरीके से इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन रिजल्ट ये परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर हाँ ये लगता है ये 21 रुपये का 210 रुपये भी जा सकता है अगले 2-3 सालों में। इस तरीके का ये स्टॉक है पुदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। चलिए बात करते हैं, पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक लो के अराउंड चल रहा है, यानी कि 21 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो था। 52 वीक हाई देखा जाए तो 34 रुपीज़ के अराउंड है। चलिए, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 205 करोड़, 205 करोड़ ओनली मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अर्निंग पर शेयर जिस हिसाब से प्राइस है उसके देखिए, अर्निंग पर शेयर 1.93 का। आप देखिए, अगर 20 रुपये का स्टॉक का 2 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, तो मतलब कि 10% अर्निंग पर शेयर उसका है, बहुत बढ़िया कहूँगा मैं इसको। पी रेशियो 11 का है, इंडस्ट्री पी जहाँ पे 13.70 का, इसका 11.22 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो बुक वैल्यू 25.56 है, यानी कि अभी अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखा जाए रेशियो जो है 0.85 का एंड फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है, बहुत बढ़िया। ये स्टॉक अगर देखें, PDMG पेपर के नाम से आपको मिलेगा, PDMJ पेपर, और रिजल्ट जो आया है आज 12:30 बजे अक्टूबर 20 2018 सैटरडे जो कि आज है, आज 12:01 बजे के अराउंड इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट देखिए, अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ये सारी फिगर्स जो है करोड़्स में है। देखिए, लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 116 करोड़ की जो है टोटल इनकम थी, इस साल कितनी है 116 करोड़ से बढ़ के ये जो टोटल इनकम हो गई है 146 करोड़ तक। और ये 146 करोड़ जो है ये जून क्वार्टर का रिजल्ट है, और अब देखा जाए तो 153 करोड़ हो चुका है टोटल इनकम इस क्वार्टर में। आप खुद सोचिए, 146 करोड़ से 153 करोड़, वहाँ पे 116 करोड़ लास्ट ईयर सितंबर की, तो टोटल इनकम में बहुत अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप देखा गया है। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ। चलिए, टोटल इनकम तो हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट देखिए 5.75 करोड़, तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ को टच करने वाला प्रॉफिट हो गया, और पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट जो है 4.81 करोड़ था। छोटा स्टॉक, 1 करोड़ का प्रॉफिट में क्वार्टर वाइज भी जंप देखने को मिला, तो मैं तो अच्छा कहूँगा इसको भी। और अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं सितंबर में, तो 3.79 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी ये ऑलमोस्ट 6 के अराउंड, मतलब 2 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप, 1 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप जो है देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है इस छोटे से स्टॉक के लिए। चलिए, बाकी जो बचे हुए क्वार्टर्स थे पिछले, उनका रिजल्ट देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर में 3.55 करोड़, मार्च क्वार्टर देखिए 4.81, इस बार कितना आ गया 5.75, तो आप खुद देखिए किस तरीके से जंप देखने को मिला है, 1 करोड़ 1 करोड़, आप थोड़ा राउंड ऑफ कर लीजिए इसको, 1 करोड़ 1 करोड़, मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर पिछले 3 क्वार्टर में बढ़िया इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसका जो प्रॉफिट था 6.18 करोड़ था, जो कि बहुत बढ़िया था, इससे भी बढ़िया था जो इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया है। और लास्ट ईयर सेप्टेम्बर की बात करते हैं तो 3.79 करोड़ था। चलिए, टोटल डेट की बात करें तो 27 करोड़ का टोटल डेट है, टोटल एसेट्स भी बहुत बढ़िया 269 करोड़ के अराउंड का टोटल एसेट्स है। छोटा स्टॉक, बढ़िया स्टॉक, पैनी स्टॉक नहीं कहेंगे इसको, बढ़िया स्टॉक कहूँगा मैं तो इसको। और अगर डिविडेंड की बात करते हैं, जैसा कि ये स्टॉक 2016 से ही मार्केट में है, तो 2016 से लेकर तीनों साल इसने डिविडेंड दिया, कभी 10 पैसे का 15 पैसे का डिविडेंड भी दिया है, अच्छा डिविडेंड। अब देखिए, अप्रैल मार्च 2016 में ये मार्केट में आया था, और उसके बाद देखिए किस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दी है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एक बार इसका जो बेस पॉइंट वो आप, अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अगर इस मैं देखिए बिना टेक्निकल के, एक बार ये बेस पॉइंट जो था इसका 25 रुपये के राउंड था, 25 रुपये के राउंड आता उछल जाता, और उससे पहले जो इसका एक देखिए इस तरीके से अगर आप देखें, ये होता है ये एक जो है वेज, जिसमें बिल्कुल ये जो नीचे वाली लाइन है ऊपर को बढ़ती रहती है और ये कांस्टेंट रहती है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस करते ही ब्रेकआउट आता है, वही हुआ, और अभी देखिए यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ये नीचे आ गया।
चलिए टेक्निकली एनालाइज करते हैं स्टॉक को। देखिए टेक्निकली अगर आप एनालाइज करोगे तो जैसा मैं आपको दिखा रहा था ड्रॉ करके इस स्टॉक को, यहाँ पे आप देखिए आपको ये स्टॉक इस लेवल पे बहुत देर तक ये मिला था, मतलब कि 24-23 रुपये का इसका एक सपोर्ट जोन दिख रहा था एक टाइम पे। तो अभी ये उस सपोर्ट जोन से भी नीचे गिर गया है, तो आप ये मान के चलिए कि अगला जो इसका सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है इस लेवल पे, यानी कि 18 के लेवल पे भी आ सकता है ये, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट अच्छा है तो जंप करने की उम्मीद है। और ये जो ये लाइन है और ये लाइन है इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब कि 18-19 से लेके 20-21 की लाइन में ऐसा ऐसा करके कंसोलिडेट कर सकता है। फिर ये ब्रेकआउट आने के यहाँ से चांसेस आपको मिलेंगे कि अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। और नीचे गिरावट होती है जब 16-17 रुपये इसका अराउंड चला जाता है तो एक बहुत बढ़िया एंट्री, 14 रुपये के अराउंड जाता है तो बहुत बढ़िया एंट्री इसमें मिल सकती है आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचेंगे इस स्टॉक में। तो चलिए वैल्यूएशन देखिए, अभी भी 17 रुपये से 30 रुपये के बीच में ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इसकी कही जा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको कहा जाता है, वो ऑलमोस्ट 15% के अराउंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम जरूर है 7.55% का। और एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर डालें तो देखिए 67% प्रोमोटर की होल्डिंग है जिसको मैं बहुत अच्छा कहूँगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है 25.36% है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक जो मात्र 21 रुपये का स्टॉक है अच्छा लगा होगा, पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है। रिजल्ट कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।